अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आमना। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ लोन की ड्रेसेस के डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि बहुत सिंपल से और बहुत कंफर्टेबल हैं। आप उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। चलें जी, मैं इनको हैंग करके फिर आपको इनकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। जनाब, तो ये है ड्रेस नंबर 1। इसके नेक लाइन देखिए आप, और ये है एक अंदरखा शर्ट। इसके साइड्स पर मैंने ये देखिए वाइट कलर के बटन्स लगवाए हैं। बाजू जो है इसके बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं लगवाया। और नीचे से ये थोड़ा सा ओपन रखा है। देखिए मैं आपको इसकी फुल दिखाती हूँ। ये रहा जी इसकी फुल पिक्चर। अब इसकी आपको मैं बैक दिखाती हूँ। ये देखिए बैक जो है इसकी बिल्कुल प्लेन है। ये मैंने बेगला बनवाया है, जो कि आगे और पीछे से सेम एक जैसा है। आपको पास करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसा गला आगे था, बैक गला भी वैसा ही इसका बनवाया है। चलिए जी, मैं अब इसका आपको दुपट्टा और इसकी ट्राउज़र दिखाती हूँ। जी जनाब, तो ये है इसकी ट्राउज़र, प्रिंटेड ट्राउज़र है इसकी, और लोन का दुपट्टा है साथ में। इसमें सिर्फ मैंने ये देखें ये लेस लगवाई है, बिल्कुल बारीक सी। इसकी ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है, मैंने कुछ भी नहीं लगवाया इसके ऊपर। चलें जी, ड्रेस नंबर 2 दिखाते हैं आपको। ये है ड्रेस नंबर 2। इस पर भी मैंने बेगला बनवाया है और छोटे छोटे इसके ऊपर मैंने बीड्स लगवाए हैं। ये देखिए चिकन की ये शर्ट है, जो इसकी स्लीव्स हैं ये देखिए ये प्रिंटेड है। इसके भी आगे ये लगाए हैं, और ये इसका ये देखिए ये पैच लगवाया है, और इसके साथ भी ये मोती लगवाए हैं मैंने। ये थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट सिलवाई है मैंने। ये देखें ये जनाब, ये इसकी बैक है। बैक इसकी जो है वो प्रिंटेड है, और बैक पे मैंने कुछ भी नहीं लगवाया। ये देखें सिर्फ इसके जो वो बीट्स हैं, मोती हैं, वो मैंने सिर्फ आगे लगवाए हैं। और इसकी बाजू और बैक जो है वो प्रिंटेड है। चलिए मैं आपको इसका ट्राउज़र और दुपट्टा दिखाती हूँ। जी जनाब, तो ये है इसका ट्राउज़र। इसका ट्राउज़र भी प्रिंटेड है। ये देखिए ये मैंने इसमें सीट की लेस लगवाई है ट्राउज़र में। और ये बहुत ही प्यारा सा इसका ब्लू कलर का दुपट्टा है। इस पर भी मैंने जो है ये ही जो शर्ट्स पे मोती लगवाए हैं, वही मैंने इसके ऊपर मोतियों वाली लेस लगवाई है। चारों साइड पे नहीं, सिर्फ इसके पल्लू साइड पे। ये देखिए सिर्फ पल्लू साइड पे है। चलिए जी, ये भी हुआ कंप्लीट। अब आते हैं ड्रेस नंबर 3 की बारी आती है। जी जनाब, तो अगला सूट है ये। इसका पे गला है, नेक लाइन पे इसके मैंने पर्ल्स लगवाए हैं बिल्कुल छोटे छोटे से। उसके अलावा ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में ज़्यादा हैवी चीज़ें आपसे पहनी नहीं जाएँ, स्पेशली जब आपने किचन में काम करना हो। तो इस वजह से है बिल्कुल सादा मैंने इसको रखवाया है। ये इसकी बैक है, बैक भी बिल्कुल इसकी प्लेन है, इस पर भी कुछ नहीं लगा जी। इसकी अब ट्राउज़र और दुपट्टा देखते हैं। ये ना इसका प्रिंटेड इसकी ट्राउज़र है। ये मैंने पल्स लगवा तो लिए, लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ते हैं या तो ये बहुत जो है ना या नीचे बैठते हैं ज़मीन पे तो चुपते हैं। दुपट्टे पर मैंने ये लेस लगवा ली है। इसका शिफॉन का दुपट्टा था, थोड़ी सी हैवी लेस ठीक रहती है, क्योंकि शिफॉन का दुपट्टा टिक जाता है आपका एक जगह पर। इसके कलर्स बहुत प्यारे हैं जी जनाब। तो अगला ड्रेस है ये ब्लैक कलर का। ये भी 3-पीस सूट है, और इसका भी मैंने बे गला बनाया है। काफ़ी हैवी ड्रेस था ये, इसके पूरी कढ़ाई हुई हुई है। ये देखें साइड्स पे भी इसके धागे की कढ़ाई है। ये देखें इसको आप ईद, इस तरह के ड्रेस को आप ईद पे पहन सकते हैं।
बाजू भी इसके जो हैं ये काम वाले बाजू थे, वो बिल्कुल मैंने बारीक सी लेस लगवाई है इसके आगे। ये देखिए बेल बॉटम इसके बाजू हैं, आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। ये रही इसकी बैक, ये देखिए बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है। ठीक है जनाब, तो आप इसका ट्राउज़र और दुपट्टा देखते हैं। ट्राउज़र भी इसकी ब्लैक कलर की है और मैंने इसकी ये देखिए वही लेस लगवाई है जो शर्ट पे लगाई है, और साथ में ये प्लेट्स डलवाई हैं। और जैसे ही शर्ट पे जो जो चीज़ लगाई वही मैंने इस पर ट्राउज़र पे भी ऐसे। और जिसका भी है ना बारीक दुपट्टा है इसका, इस पर भी कढ़ाई हुई हुई है। और भी इसमें मैंने उसी जो पहले दुपट्टे पे लगाई थी उसी तरह मैं ब्लैक में लगाई है, और साइड्स पे ये वाली लेस। ये देखिए बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी लग रही है ये। चलो जी चलते हैं अब अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी जनाब, तो ये भी मेरा थ्री पीस सूट है और इसको मैंने फ्रॉक बनवाई है। इसकी मैंने ए लाइन फ्रॉक फुल घेरा रखवा के इसका, ये देखें चल जी इसकी ड्रेलिंग देख लेते हैं। ये इसको भी मैंने बैंड लगवाया है और आगे से इसका भी गला है, और ऊपर ये बिल्कुल बारीक बारीक लेस लगी है फुल नीचे तक, और ये बिल्कुल भी ओपन नहीं है, बिल्कुल बंद है। ये देखिए मैंने इसको ओपन नहीं रखवाया, ये बंद है बिल्कुल, और लेस जो है वो फुल लगी हुई है इसके में। बाजू भी इसके जो हैं वो प्लेन हैं, जो बॉर्डर था वो बाजू पे लगाया है। ये देखिए मेरा बेटा आ गया, कहता मामा मैं आपकी हेल्प कराता हूँ। ये देखिए तो इसकी ट्राउज़र और दुपट्टा देख लेते हैं। ये देखिए इसकी भी प्लेन ही, मैंने कुछ भी नहीं इसके ऊपर लगाया, प्लेन इसकी ट्राउज़र है और इसका भी लोन का दुपट्टा है साथ में। अगला ड्रेस ये है पिंक कलर का, ये इसका गोल गला मैंने बनवाया है और टसल्स लगवाए हैं, प्लेट्स डलवाई हैं और लेस लगाई है। ये देखिए सब जगह जो है वो लेस लगाई है। बाजू की डिटेलिंग भी इसके देखते हैं। ये देखिए बाजू पे भी मैंने लेस लगाई है और प्लेट्स डलवाई हैं। ये देखिए इसकी फुल पिक्चर, ये देखिए लॉन्ग शर्ट है ये भी, बहुत ही सस्ते में आपका ये सूट तैयार हो जाता है। प्लेन ड्रेस आप बाज़ार से लेके उसके पास टसल्स लगवा लें या आप कुछ भी लगा लें, लेसे लगवा के बना लें, बहुत अच्छा सा कम पैसों में सूट तैयार हो जाता है। ये इसकी शलवार है, शलवार पे भी इसकी मैंने लेस लगाई है और प्लेट्स डलवाई हैं। जी जनाब, तो आज की वीडियो हुई ख़त्म। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। वीडियो को आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक भी कर दिया करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और यहाँ पे मैंने आपको बैक नहीं दिखाई थी शर्ट की, तो ये देखें ये इसकी बैक है, बैक पे भी लेस लगी हुई है। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।